मेरा नाम है हुसैन अहमद और आप लोग देख रही हो आपकी चैनल। आपकी चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि आपने अगर IRCTC वेबसाइट में कोई टिकट बुक किया है तो उस टिकट को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को पहले से ही ओपन करके रखा है, तो आप भी अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और उसको ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको टाइप कर दीजिए IRCTC.co.in। और आपको इस यहाँ पे कोई सामने अगर ऐड वगैरह आया तो उसको डिलीट कीजिए और यहाँ पे आपको ओके कीजिए और नेक्स्ट आपको थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और इसको डेस्कटॉप साइट पर ओके कीजिए। और फिर से आपको इस पर ओके करना है और नेक्स्ट आपको ये यहाँ पे फोर लाइन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देना है। और यहाँ पे नीचे आपको जो कैप्चा है इसको यहाँ पे फिल कर देना है। और इसको कर देना है साइन अप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे कैप्चा जो है गलत हो गया, तो मैं फिर से दोबारा से इसको फिल करेंगे। तो जैसे कि मैंने साइन अप किया है और मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है, तो आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पे फोर लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे जाना है माई अकाउंट्स पर और उसके नीचे आपको दिखेगा माई ट्रांजेक्शन, उस पर क्लिक करना है और आपको फिर बुक के टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एक लोगो दिया हुआ है प्रिंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सीधा आपको टिकट जो है दिख जाएगा यहाँ पे सामने और एकदम नीचे की तरफ आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने प्रिंट पर क्लिक किया और मेरे सामने कुछ टिकट का इस तरह का आया है और आपको भी यहाँ पे PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ अगर आपको नाम लिखना है तो नाम टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ वो प्रिंट रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब जो है मेरी मोबाइल पे वो सेव हो गया है, तो आप भी इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं।